हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बायोलॉजी साइंस। आज हम आप लोगों को पुष्पक्रम के बारे में बताएंगे, अर्थात इनफ्लोरेसेंस के बारे में बताएंगे। तो पूरी जानकारी के लिए मेरा पूरा वीडियो अंत तक ध्यान से देखिए, और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पुष्पक्रम क्या है या इनफ्लोरेसेंस की परिभाषा बता देते हैं। तो मुख्य अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को पुष्पक्रम कहते हैं। चलिए इस परिभाषा को अच्छी तरह से समझा देता हूँ। पौधों में जब कायिक अंग या वेजिटेटिव ऑर्गन्स बन जाते हैं, मतलब जब पौधों में जड़, तना तथा पत्तियां पूर्ण रूप से बन जाती हैं, तो उसमें जनन की तैयारियां होने लगती हैं और जननांगों का निर्माण होता है। ये जननांग क्या होते हैं? ये पुष्प ही होते हैं। यानी पौधे के जननांग क्या होते हैं? पुष्प होते हैं, अर्थात पौधों के जनन अंग पुष्प होते हैं। जब ये पुष्प पौधों पर उत्पन्न होते हैं तो अकेले अथवा छोटे या बड़े समूहों में उत्पन्न होते हैं। तो जब अकेले होते हैं तो उसे एकल पुष्प या सॉलिटेरी फ्लावर कहते हैं, लेकिन जब शाखा पर अनेकों पुष्प होते हैं तो पुष्पों का पूरा समूह बन जाता है, उसे ही पुष्पक्रम कहा जाता है। तो ये पूरे पुष्प जिस शाखा पर लगे होते हैं उसे पुष्पावली वृंत या पुष्पाक्ष या पेडेंकल या मुख्य अक्ष कहा जाता है। यानी इन जो मैंने नाम गिनाए हैं इनमें से कोई भी आप नाम कह सकते हैं, चाहे आप पुष्पावली वृंत कहें, पुष्पाक्ष कहें, पेडेंकल अंग्रेजी में कह सकते हैं, या मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपको परिभाषा अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मुख्य अक्ष पर पुष्पों के लगने के क्रम को ही पुष्पक्रम कहा जाता है। चलिए अब पुष्पक्रम के प्रकार के बारे में बता देता हूँ। इसके लिए मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है, इसमें देखिए पुष्पक्रम मुख्य रूप से चार प्रकार के होते हैं। असीमाच्छी पुष्पक्रम या रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस, दूसरा है ससीमाच्छी पुष्पक्रम या साइमोज इन्फ्लोरेसेंस, तीसरा है विशेष या विशिष्ट पुष्पक्रम, अंग्रेजी में इसे स्पेशल इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं, और चौथा है मिश्रित पुष्पक्रम अथवा इसे संयुक्त पुष्पक्रम भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में इसे मिक्स्ड इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है। चलिए अब इन सबके बारे में एक एक करके जल्दी से समझा देते हैं। तो पहला है असीमाच्छी पुष्पक्रम या रेसिमोज इन्फ्लोरेसेंस। ऐसा पुष्पक्रम जिसमें मुख्य अक्ष अथवा पुष्पावली वृंत की असीमित वृद्धि होती है उसे असीमाच्छी पुष्पक्रम कहते हैं। इसमें पुष्प अग्राभिसारी क्रम में निकलते हैं। चलिए इसमें दो वर्ड आए हैं, मुख्य अक्ष और पुष्पावली वृंत, इनकी परिभाषा आपको बता देता हूं या दोनों को समझा देता हूं। तो ये जो मुख्य अक्ष है यह वास्तव में पुष्पावली वृंत होती है, अर्थात जहां से पुष्प लगना शुरू होते हैं और जहां तक लगे होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, जैसे यहाँ से पुष्प लगना शुरू हुए तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक के पूरा पुष्पावली वृंत या मुख्य अक्ष कहलाता है, अर्थात इसी को पुष्पावली वृंत कहते हैं या इसी को मुख्य अक्ष भी कहा जाता है। अब इस परिभाषा को समझ लेते हैं कि असीमाच्छी क्या है। तो ऐसे पौधे जिसमें असीमाच्छी पुष्पक्रम लगते हैं उनमें ये मुख्य अक्ष अनिश्चित रूप से बढ़ता ही जाता है, इसीलिए पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगते जाते हैं या एक्रोपेटल सक्सेशन में लगते जाते हैं। इस प्रक्रिया में होता क्या है कि नीचे के पुष्प जो होते हैं वो पुराने और धीरे धीरे ऊपर करके शीर्षस्थ कलिका की ओर पुष्प नए लगते जाते हैं, जिसे असीमाच्छी पुष्पक्रम कहा जाता है। तो असीमाच्छी पुष्पक्रम वाले प्लांट्स लंबे होते हैं और फैलाव में अधिक नहीं फैलते हैं, यानी ऊपर की ओर ही बढ़ते जाते हैं तीव्र गति से और फैलाव में अधिक नहीं फैलते हैं। उदाहरण के रूप में आपको बता दें, सरसों, मूली, गेहूं, सहतूत, बबूल, गेंदा, सूर्यमुखी आदि असीमाच्छी पुष्पक्रम के उदाहरण हैं। अब देखते हैं कि असीमाच्छी को दो भागों में बांटा गया है, पहला है सरल और दूसरा है संयुक्त। तो पहले सरल असीमाच्छी पुष्पक्रम को समझ लेते हैं। जब पुष्पावली वृंत एक ही होता है तथा इसी पर पुष्प अग्राभिसारी क्रम में लगे रहते हैं,
साधारणतः पुष्पावली वृंत की अग्रस्त कलिका वृद्धि करती ही रहती है तथा नए पुष्प निर्मित होते रहते हैं, तो उसे ही सरल असीमाच्छी पुष्पक्रम कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, यह पुष्पावली वृंत है और एक ही शाखा है। इसमें इधर उधर और कई सारी शाखाएं नहीं है और उन पर पुष्प नहीं है। यानी जब शाखाएं नहीं है तो पुष्प नहीं है, मतलब ये जब अकेली शाखा हो और उसी पर पुष्प लगे हो अग्राभिसारी क्रम में, अर्थात नीचे वाले पुष्प पुराने और धीरे धीरे करके ऊपर के पुष्प नए, इस प्रकार एक के बाद एक लगे हो, तो उसे सरल असीमाच्छी पुष्पक्रम कहते हैं। आपको बता दें कि कभी कभी इसी सरल असीमाच्छी पुष्पक्रम में पुष्पाक्ष की लंबाई बढ़ना बंद भी हो जाती है तो पुष्प अधिक पास पास आ जाते हैं, यानी गुंथ जाते हैं। तो सरल असीमाच्छी पुष्पक्रम को मुख्य रूप से चार भागों में बांटा गया है, लंबा पुष्पाक्ष, छोटा पुष्पाक्ष, निरुद्ध पुष्पाक्ष, चपटा पुष्पाक्ष। तो सबसे पहले लंबा पुष्पाक्ष वाले असीमाच्छी पुष्पक्रम के बारे में समझ लेते हैं। तो इसमें लंबे पुष्प अक्ष वाले पुष्पक्रम आते हैं। इसे निम्नलिखित भागों में बांटा गया है, पहला है रेशीम या असीमाच्छी, दूसरा सूकी या अंग्रेजी में इसे स्पाइक कहते हैं, तीसरा अनुसूकी या अंग्रेजी में इसे स्पाइकलेट कहा जाता है, और अगला है स्थूल मंजरी, इसे अंग्रेजी में स्पाइडिक्स कहते हैं, और फिर है मंजरी या इसे अंग्रेजी में कैटकिन कहा जाता है। तो पहले असीमाच्छी या रेशीम को समझ लेते हैं। जब मुख्य अक्ष लंबा तथा बड़ा हो और पुष्प सवृंत हो तो उसे रेशीम या असीमाच्छी पुष्पक्रम कहते हैं। मतलब ये हुआ कि मुख्य अक्ष लंबा हो और साथ साथ बड़ा भी हो तथा पुष्प वृंत सहित हो, अथवा कहा जाए तो सवृंत हो। सवृंत का अर्थ है पुष्प में डंठल हो। उदाहरण के लिए आपको बता दें, सरसों, मूली, लार्क स्पर, लाइनेरिया आदि में रेशीम पुष्पक्रम पाया जाता है। अब दूसरा है सूकी या स्पाइक, यह भी बिल्कुल असीमाच्छी या रेशीम की तरह है, लेकिन इसमें पुष्प आवृंत होते हैं, अर्थात इसके पुष्पों में डंठल नहीं होते हैं या वृंत नहीं होते हैं, जबकि उसमें क्या था, उसमें डंठल थे लेकिन इसमें डंठल नहीं होते हैं। जैसे चौलाई, लौंग, लटजीरा, पालक, बोतल ब्रश आदि इसके उदाहरण होते हैं। अगला है अनसूकी या स्पाइकलेट, यह स्पाइक का सूकी का छोटा रूप होता है, अर्थात स्पाइक अथवा सूकी का छोटा रूप होता है। इसमें पुष्पों की संख्या कम होती है, अर्थात एक भी पुष्प हो सकता है, जैसे गेहूं, चावल, अनेक घासें अनसूकी या स्पाइकलेट के उदाहरण होते हैं। आपको बता दें कि इसी से कॉम्पिटेटिव क्वेश्चन भी बनते हैं। उदाहरण के रूप में जैसे आपको बता दूं कि गेहूं में कैसा पुष्पक्रम पाया जाता है, या सूकी अथवा स्पाइक पुष्पक्रम किसमें पाए जाते हैं। तो पूरा लेक्चर अंत तक ध्यान से देखिए, क्योंकि विभिन्न कंपटीशन में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं तथा हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम्स या होम एग्जाम्स में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए अब आते हैं स्थूल मंजरी या स्पैडिक्स पर। तो यह अनुसूकी या स्पाइक का रूपांतरण होता है, जहां पुष्पाक्ष क्या होता है कि अत्यंत मोटा तथा मांसल हो जाता है। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे केला, ताड़, कचालू या अरुई, मक्का का मादा पुष्प जिसे आप भुट्टा भी कहते हैं, ये सब इसी के उदाहरण होते हैं। अब लंबा पुष्पाक्ष का आखिरी पार्ट है मंजरी या कैटकिन, अंग्रेजी में इसे कहा जाता है। यह भी स्पाइक की तरह ही होता है, लेकिन इसमें जो मात्र अक्ष होता है वो मुलायम, कमजोर तथा लटकने वाला होता है। और एक खास बात होती है इसमें, अधिकतर पुष्प क्या होते हैं कि एक लिंगी होते हैं और पुष्पों की संख्या अधिक होती है तथा वे पास पास गुथे होते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दूं, जैसे आपने सहतूत देखा होगा वो इसी का उदाहरण है। ऑक है, ऑक को शाहबलूत भी कहते हैं। भोजपत्र, मजनू या सेलिक्स आदि इसके उदाहरण होते हैं। तो अब लंबा पुष्पाक्ष पूरा हो गया है, अब आते हैं छोटे पुष्पाक्ष पर। इसमें केवल एक ही भाग है समसिक, इसमें मुख्य अक्ष छोटा होता है और पुष्प वृंत अनेक लंबाइयों के होते हैं, जिससे सभी पुष्प लगभग एक ही तल पर आ जाते हैं, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। इसमें पुष्प वृंत अनेक लंबाइयों में है और सभी पुष्प लगभग एक ही तल पर या बराबर हैं।
इसमें सबसे नीचे के पुष्पों के वृंत लंबे होते हैं और वही सबसे पुराने भी होते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, जैसे चांदनी या कैंडी टफ्ट में होता है, कैसिया में होता है आदि छोटे पुष्पाक्ष वाले होते हैं। अगला है निरुद्ध पुष्पाक्ष। इसे दो भागों में बांटा गया है, पुष्प छत्र और समुंड अर्थात अम्बेल तथा कैपिटेट में। पुष्प छत्र में पुष्पाक्ष लगभग नहीं के बराबर होता है और पुष्प वृंत होते हैं, यानी पुष्प सवृंत होते हैं, जैसे ब्राह्मी, चेरी आदि। और समुंड में पुष्पाक्ष निरुद्ध अर्थात नहीं होता। उसमें क्या था, पुष्पाक्ष लगभग नहीं के बराबर था, यानी था लेकिन नहीं के बराबर था, और पुष्प सवृंत थे। लेकिन समुंड में क्या है, पुष्पाक्ष निरुद्ध होता है, बिल्कुल होता ही नहीं है, और पुष्प क्या होते हैं, आवृंत होते हैं। जैसे आपको उदाहरण के लिए बता दें, सिरस है, बबूल है, लाजवंती आदि इसके उदाहरण होते हैं। अब आते हैं चपटे पुष्पाक्ष पर। इसमें केवल एक भाग है, मुंडक या कैपिटुलम। जब मात्र अक्ष चपटा होता है और उसी पर अनेक छोटे छोटे पुष्पक या पुष्प लगे होते हैं तो उसे चपटा पुष्पाक्ष कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए सूर्यमुखी, गुलदावदी, गेंदा, जीनिया, सौकस, एजिरेटम आदि चपटे पुष्पक्रम के उदाहरण होते हैं। इस प्रकार से सरल असीमाक्षी पुष्पक्रम पूरा हुआ। अब ये जो संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम है, ये लगभग सभी प्रकार के असीमाक्षी पुष्पक्रमों का संयुक्त रूप होता है, अर्थात मात्र अक्ष के एक बार अथवा बार बार विभाजित होने से तथा प्रत्येक शाखा पर पुष्पों का विशेष क्रम होने से एक विशेष संयुक्त पुष्पक्रम का निर्माण होता है, जिसे संयुक्त असीमाक्षी पुष्पक्रम कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें रेशीम, स्पाइक, पुष्प छत्र, समसिक, स्पाइडेक्स, कैटकिन, मुंडक आदि पुष्पक्रमों के संयुक्त पुष्पक्रम पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए आपको बता दें, इसमें कौन कौन से आ सकते हैं। यक्का में है, गेहूं में पूरी सूखी या अनसूखियों की सूखी अर्थात जो पूरी बाली होती है, खजूर में, फूल गोभी आदि इसके उदाहरण है। अब पुष्पक्रम का दूसरा भाग है ससीमाक्षी पुष्पक्रम या साइमोज इन्फ्लोरेसेंस। तो इसके बारे में और शेष बचे सभी पुष्पक्रमों के बारे में आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आज के अंक में इतना ही। अगले वीडियो की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले अगले वीडियो की नोटिफिकेशन भी, उसकी जानकारी भी आपको सबसे पहले प्राप्त हो जाए। धन्यवाद।